अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैप्रिकॉर्न वीकली होरोस्कोप 27 फरवरी टू 5 मार्च, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉर्न्स, उम्मीद करता हूं बफ़ज़ले ताला आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। थोड़ी फॉर्मेशन बना के मुझे बैठना पड़ता है, अगर आप माइंडनेस को करें तो मैं बिल्कुल ये टेक लगा के आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं मुझे फुट जो है वो डाउन नहीं करना, अप रखना है, दैट्स व्हाई मैं आपसे ये करूँ। सो आज की वीडियो हम दोबारा कनेक्टेड हो रहे हैं आपसे आई टू आई और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पहले की तरह हम आपको बेहतर डिलीवर कर सकेंगे और आप इन वीडियो से मुस्तफीद जो है वो हो सकेंगे। इस हफ्ते में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट आपके लिए वो है फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में, यानी आपने शर्फ़ मरीख को हासिल करना। मार्स आपके जाइचे के फोर्थ का भी लॉर्ड है, आपके जाइचे के 11th कुटलक का भी लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस में अगर ये एग्जॉल्टेड हो रहा है, इट्स मीन के यू आर कैप्चरिंग मैनी थिंग्स, बहुत कुछ आप कैप्चर कर सकेंगे। कुदरत में बहुत सारे इस वक्त जो है वो आपके लिए इनामात रखे। सेकेंड चीज जो होगी सेकेंड ऑफ मार्च को ही, ये भी सेकेंड और थर्ड मार्च को ना, सेकेंड ऑफ मार्च को ही दूसरी चीज होगी वो होगी न्यू मून। हम न्यू मून पे पहले यूजली बात नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कुछ बात जरूर किया करें। सो आज इसको भी बताऊंगा, ये आपके थर्ड हाउस में हो रहा है, सो आपके लिए बहुत जबरदस्त ये होने जा रहा है। इंशाल्लाह आप इस न्यू मून से बहुत कुछ गेट कर सकेंगे और ये भी सेकेंड ऑफ मार्च को होगा। सेकेंड ऑफ मार्च को ही थर्ड इवेंट जो है वो है मर्करी सैटर्न कंजक्शन का, जो कि आपके जाइचे के सेकंड पार्ट में होगी, जहां पे सैटर्न मौजूद है। मर्करी यहां पे आके आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें बेहतर बना रहा है। मर्करी आपके 6th का भी लॉर्ड है, मर्करी आपके 9th का भी लॉर्ड है, स्पेशली 9th का लॉर्ड होते हुए जब ये आपके सेकंड पार्ट में और सेकंड के लॉर्ड सैटर्न के साथ कंजक्शन करेगा, सो ये बहुत आपके लिए जबरदस्त इंशाल्लाह रहता हुआ नजर आता है। थर्ड जो चेंज है वो है जुपिटर विद सन, ये दोनों की भी कंजक्शन और आपके जाइचे के थर्ड हाउस में है। अब देखने की बात ये है कि सन आपके किस हाउस का लॉर्ड है, आपके 8th का लॉर्ड है, थर्ड में ये कंजक्शन हो रही है। सो मैं ये समझता हूं कि बहुत कुछ जो आपके अंदर छुपा हुआ था वो बाहर निकलने को बेताब हो चुका, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टार्ट करता हूं मार्स से। मार्स आपके जाइचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद है, इज्जत वकार देगा, बोल्ड करेगा, ब्रेव करेगा, आपको बहुत कुछ बेहतर परफॉर्म करने की तरफ जो है वो मूव ऑन करेगा। फर्स्ट हाउस में जब भी कोई प्लेनेट अच्छा आता है तो वो आपकी इज्जत वकार में इजाफा करता है, और मार्स जैसे कि आप भी जानते हैं ये एक वैसे तो इसको जंग का सियारा कहा जाता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव फर्स्ट हाउस में आता है तो ये आपको बोल्ड करता है, ब्रेव करता है, दूसरों की मदद करने की तरफ जो है आमादा करता है। आप ऐसे स्टेप्स ले सकेंगे जो कि आप यूजुअली नहीं लेते, जिनमें आप फियर्स का शिकार होते थे और आप थोड़ा हेजिटेट करते थे कि मुझे ये परफॉर्म करना ये नहीं करना, आप वो कर सकेंगे। और बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि इसके साथ बिल्कुल जो है वीनस भी कंजक्शन की शक्ल में चल रहा है, जो कि आपके 10th का लॉर्ड है। सो आपकी मूवमेंट्स जो है वो मोस्ट प्रॉपरली अपने करियर के हवाले से भी होंगी। इसके अलावा चूंकि वीनस आपके 5th हाउस का लॉर्ड है तो आपकी लव लाइफ में भी बहुत ही बेहतरी लेके आएगा। आपके 10th का लॉर्ड है, करियर रोजगार के ऊपर आपका फोकस होगा। आप कई ऐसे स्टेप्स, कई ऐसे बड़े फैसले ले सकेंगे जो कि आम हालात में आप नहीं लेते थे। इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, करियर रोजगार के हवाले से कुछ ट्रैवल जो है वो भी आप कर सकेंगे। आप एक बार रिव्यू में जाएंगे कि पिछले दिनों में आपने कहां कहां गलतियां की, उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। सो विच इज वेरी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत जबरदस्त जो है वो ये इंशाल्लाह रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा चूंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पे आपको बच्चों के हवाले से जो है वो कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, वहीं पे आपको जो है बच्चों की तरफ से सपोर्ट भी बड़ी मिलेगी, आपको उनके साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन होंगे आपके, और इसके साथ साथ आप इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना चाहें उसके मौके भी आपके लिए अच्छे होंगे। एजुकेशन सेक्टर में जो है उसमें भी आपको जो है वो बेहतरी मिल सकेगी, स्पेशली स्केल 12 से 14 का जो आपका टाइम है, इसमें आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट मिल सकेगा। उसके बाद
चूंकि मार्स आपके फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो घर सवारी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के हवाले से बड़े फैसले मुतवक्के होंगे। आप अपनी मर्जी से अगर कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, कोई बड़ा घर, कोई बेहतर घर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको फैमिली से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। स्पेशली आपके जो छोटे हैं एज में, आपके छोटे भाई हों, कजन्स हों, ये आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए यहाँ पे भी नजर आते हैं। सेकंड, आपके दो सहबाब आपकी इज्जत वकार में इजाफे का जहां बायस होंगे, वहीं पे आपके गोल्स की अचीवमेंट के लिए आप जो डिटरमिनेंट है उतने ही वो भी आपके लिए कोऑपरेटिव होते चले जाएंगे। उनके तावुन से आप अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को भी सिक्योर करेंगे और आप अपनी जो गोल्स है उनकी अचीवमेंट की तरफ भी जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा था, सेकंड जो हमारा इवेंट है वो मून इन थर्ड आपके पाइसिस में, मून इन पाइसिस का आप कह लीजिए, यहाँ पे न्यू मून होगा। न्यू मून जब यहाँ पे होगा तो ये आपको अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने का जो है वो मौका देगा, और इसमें आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपका वर्किंग पार्टनर है वो भी आपको दोनों बेहतरीन जो है वो साथ देते हुए नजर आते हैं। चूंकि सेवंथ का लॉर्ड है मून थर्ड में राइज हो रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे आपको बेहतरी मिलेगी। नजदीकी ट्रेवल इस महीने में आपके बहुत सारे होंगे, और जैसे कि आपकी जिंदगी में वो कहते हैं मौसम बहार जो कि वैसे भी आमद है, तो आपकी जिंदगी में ये मौसम बहार की आमद होगी। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। नजदीकी सफर के साथ साथ आप जो है अपनी सोशल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा वो एक्सपेंड करते हुए नजर आते हैं। एक जिसको कह सकते हैं कि एक खूबसूरती आपके सराउंडिंग में होगी, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को भी बेहतर करेंगे, अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे, आपको अपनी जो स्किल्स है उनको प्रोमिनेंट करके डिलीवर करने का मौका जो है वो मिल सकेगा, और आप बड़ी खुशी से अपने इस जो ये मून से आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है इसको लेके चलेंगे। और एग्जैक्टली आफ्टर 14 डेज एग्जैक्टली आपके जो जब ये आपके सेवंथ हाउस में आएगा, यहाँ पे इसको अरूज होगा, सो ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी आपको मूव करेगा। इंशाल्लाह फुल मून पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। उसके बाद जो अगली चीज थी वो मैंने कहा था कि मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन है आपके जाइचे के सेकंड पार्ट में, ये आपको बहुत ही प्रैक्टिकल करेगा। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने की तरफ जो है वो माइल होंगे, और यहाँ पे आप बहुत सारा काम करेंगे, नए आइडियाज पे गौर करेंगे, नए एग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं। चूंकि वीनस भी आपके असेंडेंट में मौजूद है, तो आप एक से ज्यादा कामों की तरफ जो है मतवज्जो होंगे, बेहतर अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाने का आपको मौका मिलेगा, और प्रैक्टिकली आपको जो है उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। इस तरह आप अपनी जो फाइनेंस है वो भी बेहतर करेंगे। एक बेहतर जॉब का असूल आपके लिए मुमकिन होगा, जिसमें आपके लिए एक्सपेंशन इंशाल्लाह ये भी आपके लिए मौजूद होगी। बहुत सारे ट्रेवल्स आपको मिल सकेंगे, सोशल फैमिली से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है अगर आपकी रिक्वायर्ड है तो। इसके साथ साथ अगर आप वीजा वगैरह अप्लाई करना चाहें तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। सफर इंशाल्लाह आपके लिए वसीला जफर साबित होगा। जुपिटर सन कंजक्शन इन द थर्ड हाउस, और जुपिटर की जितनी पावर्स है वो सन के पास आ गई। सन आपके एट्थ हाउस का लॉर्ड है, अचानक आपको गैर मतवका तौर पर मुफायद का जो माली फवायद है उसका असूल जो है मुमकिन हो सकता है। पार्टनरशिप में काम करने का आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, और लोगों के साथ कम्युनिकेट करके आप इसको बेहतर जो है वो बना सकेंगे। आपकी जो ससुराल फैमिली है वहां से भी आपको बहुत कुछ जो है वो नया आपके सामने जो आएगा, और कई चीजें जो आपके लाशोर में फंसी हुई थी वो भी निकल के बाहर आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। सम टाइम जो है आपको टेम्पर्ड भी कर देता है, सो आपकी जो चीजें लाशोर में फंसी होती है वो बाहर आ जाती है, और बात और तीर दो ऐसी चीजें हैं कि जो निकल जाने के बाद वापस नहीं की जा सकती। सो उम्मीद करता हूं आप इस मामले को जो है वो मद्देनजर रखेंगे और अपने लिए बेहतर तौर पे इस महीने की प्लान कर सकेंगे। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन ब्लू सफायर वेयर कीजिए, ये आपके लिए मोर देन बेनिफिशियल इंशाल्लाह साबित हो सकता है। हाँ, अगर आप मार्स के बेनिफिट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो आप गार्नेट भी वेयर कर सकते हैं। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट कीजिए, या आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगर आप हमारे चैनल पे दोबारा आना चाहेंगे तो उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लेंगे। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।